मध्य प्रदेश के बड़वा नर्मदा तट पर सोमवार को सोमवती अमावस्या के पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन सोमवार को सोमवती फाल्गुन की अमावस्या होने पर मालवा, निमाड़ व आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर पूजन आराधना की, पश्चात तट पर बैठे भिक्षुकों को दान पुण्य भी किया। बताया जाता है कि सोमवार को सोमवती अमावस्या आने का विशेष महत्व रहता है। इस दिन प्रमुख नदियों सरोवर में स्नान दान पुण्य करने का विशेष धार्मिक महत्व रहता है। इसको लेकर मां नर्मदा के तट पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाकर पूजन अर्चन कर दान पुण्य किया। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मां श्री नर्मदा आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर इस बड़वा में खेड़ी घाट स्थित नर्मदा पर हजारों श्रद्धालु जो सीहोर से भी लौट रहे हैं, उज्जैन, मालवा, इंदौर, निमाड़, खंडवा चारों तरफ का यात्री यहाँ स्नान करने आ रहा है और सभी को स्वस्थ रख, मस्त रख और सोमवती अमावस्या का जो महत्व है, आज दानपुण अमावस्या है। बाहर से आए यात्री दानपुण कर रहे हैं और इस हेतु बड़वा खेड़ी घाट की जो पंचायत की टीम है और उनके साथ उनके सारे सपाटी इस व्यवस्था को संभालने में लगे हैं। सबकी इच्छा पूरी कर मां श्री नर्मदे ये बड़े हर्ष के साथ में आज सोमवती सोमवार के दिन आती है जो सोमवती अमावस्या है। आज अनेक दूर दूर नगर से गांव से आकर भक्त लोग मां नर्मदा में स्नान कर अपना मोक्ष मार्ग सिद्ध कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि मां नर्मदा में किसी भी प्रकार की गंदगी न डाले, गंदे चिंदे न डाले, लाई हुई निर्माल्य व्यवस्था डब्बे रखे हैं उनमें डाला जाए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं मां सबका कल्याण करे और यही हमारी प्रार्थना है। मां नर्मदा सोमवती अमावस्या बड़े पर्व के साथ में आई है, इसके पूर्व दो रोज पूर्व महाशिवरात्रि हुई, उसमें भी खूब अनेक प्रकार के भक्त लोग आकर और नर्मदा स्नान कर अपने मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुए। माता श्री नर्मदे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।